गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सना व्लॉग्स। कैसे हो आप सब। तो आज है वैलेंटाइंस डे और मैं जा रही हूँ इसके साथ वैलेंटाइंस मनाने के लिए। सागर भी हमारे साथ होगा। मैं 24 आवर्स सागर को जेलस करवाने वाली हूँ इसके साथ घूम घूम के। सरस्वती पूजा भी है तो मैंने साड़ी वेयर किया है। कैसे लग रही हूँ मैं, कैसे लग रही हूँ मैं ऋषि? अच्छा लग रहा है। बस उसका रिएक्शन देखेंगे। अभी सागर यहाँ पे नहीं है, मैं सागर को कॉल करके बुला रही हूँ, वो काम में है और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। चलिए चलो मेरा वैलेंटाइंस। क्या हुआ यार? कहाँ जा रहे हैं? ऐसे अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, थोड़ा सा मतलब रेस कर दे यहाँ पे रुक रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। पता नहीं इसको क्या हो गया था, मेरे सामने किसी और को गुलाब देने जा रहा है, वो भी मुझे दिया हुआ गुलाब। बस उस लड़की का बॉयफ्रेंड था तो उसका चांस यहाँ पे नहीं बना। उसके बाद मुझे आ गया था गुस्सा क्योंकि मैं सागर को इग्नोर करते करते इसके पास गई थी और यही मुझे डम कर रहा है। ओ माय गॉड, अभी मतलब मैं इसके साथ वैलेंटाइंस में हूँ तो इसके लिए सागर बोले किसी और एक रैंडम लड़की को ये रोज देगा, आई लव यू बोलेगा, है कि नहीं? तो मैं इसके लिए लॉयल हूँ, बट इसने भी मुझे एक बार धोखा दे दिया है। जो भी मुझे धोखा देगा वो रिजेक्ट होगा ही। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया बोलो, तुम लॉयल थे ना? तुमको धोखा नहीं देगा तो किसको देगा? अभी हम भी एक रैंडम लड़का को रोज देगा, ठीक है? देते रहो, हम फुल चैलेंज हम देगा, ठीक है? हम देखेगा, हम वीडियो बनाएगा तेरा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, हम तेरा वीडियो बनाएगा, तू दे सकेगा कि नहीं, ठीक है? दूसरा लड़की पटाएगा। तो सागर अभी रोज देने के लिए आया है। ठीक है।
गया। फाइनली मैं अपना चैलेंज कंप्लीट करने जा रही हूँ एक रैंडम से लड़की को रोज देने के लिए। पता नहीं मेरे साथ अभी क्या होने वाला है, तो आप लोग बस देखते जाइए। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में। ये मेरा भाई सबको रहेगा, पता नहीं इसका क्या हो गया है इसका हालत। तो सागर इतना टेंशन मत लो, टेंशन नहीं ले रहा। ये हमारा प्रैंक वीडियो था, तो टेंशन की बारे ब्लैंकेट ले लिया है। हम टेंशन नहीं लेते हैं ना, मम्मी के घर से ब्लैंकेट ले लिया ना, पर इतना तेल लगा लिया है। तो ये सीरियसली वाला नहीं था गाइस, आप लोग भी सीरियसली मत लीजिएगा। हम लोग बस मजाक कर रहे थे। अगर का पता नहीं क्या हालत हो गया, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे इसका हालत।